गाइज एक मजे की बात बताऊं, वन ऑफ द यूजुअल ब्रेकफास्ट फॉर तिबेटन्स इज मोमोज। यार मुझे भी तिबेटन होना चाहिए था। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आज मैं पूरा दिन खाने वाला हूँ ओनली ऑथेंटिक तिबेटन फूड। और आज से पहले मैंने तिबेटन फूड के नाम पे सिर्फ मोमोज ठूसे हैं और थुपका खाया है स्लैश पिया है, बस वो भी एक दो बार। बट मैंने ना ढंग से रिसर्च की गूगल पे अबाउट तिबेटन खाने, और भाई मैंने ऐसे ऐसे तिबेटन फूड देखे विच विल लिटरली ब्लो योर माइंड। मेरा तो देख के ऐसा हो गया था, भाई ये सब भी होता है तिबेटन फूड में। और आज मैं ना पूरी पूरी कोशिश करूंगा वो सारे खाने कवर करने की, नहीं सारे तो नहीं, कुछ कुछ इंटरेस्टिंग खाने कवर करने की। The idea behind this video is जो भी हम खाएंगे वो ऑथेंटिक तिबेटन होगा और हम कुछ नया ट्राई करेंगे, मतलब दैट्स द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। और यार दिल्ली की सर्दी में वो गर्मा गर्म थुक्पा मिल जाए तो मजे ना आ जाए। गाइज दिस इज कॉल्ड वेजिटेबल थुक्पा। पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ भाई, आज ना मैं मोमोज नहीं खाने वाला, मतलब मोमोज हम बहुत खा चुके हैं, ऑल दो दैट इज ऑथेंटिक तिबेटन। यार इसका सीन पता क्या है, दिस इज लाइक अ नूडल सूप और मैंने वेजिटेबल वर्जन लिया है तो इट हैज अ लॉट ऑफ वेजीज इनसाइड इट। और मैं इसकी ऑलरेडी वो होते हैं ना सिप सिप ले चुका हूँ, और ओहो मतलब मुझे पहले लगा था इट वुड बी स्पाइसी बट इट इज मोर लाइक बटरी एंड हल्के हल्के स्पाइसेस तो चलो हैं। यार सिंपल नूडल्स में तो कोई फ्लेवर नहीं है बट जो कॉम्बिनेशन है सूप का, वेजीज का और थोड़े बहुत मसालों का, और जो इसके अंदर वो बटरी सूदिंग सी जो इन्होंने कुछ कुछ डाला है उसका, ओहो दैट्स अमेजिंग। यार मैं आपको एक बात बताऊं, थुपका के साथ साथ एक मोक थुक भी आता है जिसमें सूप जो होता है, ब्रॉथ जो होता है वो यही रहेगा बट उसके अंदर वो मोमोज डालते हैं। और आज मैंने ना सोचा हुआ है भाई मोमोज खा के मैं पेट नहीं भरूंगा, मेरे को कुछ नया नया खाना है तो आज मैं नया नया खाऊंगा। वैसे ना ब्रेकफास्ट में वो लोग बटर टी भी पीते हैं। बटर टी मैंने बड़ी कोशिश की मुझे दिल्ली में कहीं मिले बट मुझे मिली नहीं। मजनू का टीला वगैरह ज़्यादा तो मिल जाती शायद बट वो बहुत दूर है मेरे घर से, लाइक लिटरली बहुत दूर है, मतलब अगर मैं ब्रेकफास्ट में जाता तो लंच में पहुँचता। और तिबेटन्स ना याक मीट भी बहुत खाते हैं, मतलब If you ever had an opportunity to go to a Tibetan society या colony जहाँ पे मतलब Tibetan खाना मिलता हो तो laughing, और laughing वाली दुकान में ना आपको वो लंबे लंबे कुछ टंगे मिलते हैं ब्लैक कलर के, ब्लैक रेडिश कलर के, दैट इज yak meat। तो अगर मुझे मिला तो मैं खाऊंगा, laughing तो आज खाऊंगा, मतलब शायद मैंने लाइफ में एक बार टेस्ट किया था, बड़ा यूनिक सा फ्लेवर था उसका, मतलब वो उसकी टेक्स्चर होता है ना laughing का, दैट इज समथिंग वेरी यूनिक। हाँ तो लाफिंग आज खाना ही खाना है, और भी बहुत चीज़ें खानी है। यार साथ में ना इन्होंने ये चटनी भिजवाई है, दिस इज सेसमे चिली चटनी, ये बहुत स्पाइसी होती है भाई, ये इसके अंदर डालने के लिए है पर मेरा इतने में ही हो जाएगा, मैं नहीं खाऊंगा। और तिबेटन मतलब ऑथेंटिक तिबेटन प्लेस पे अगर आप बैठोगे ना और अगर आप मोमोज ऑर्डर करोगे तो आपको ये चटनी मिलेगी साथ में, वो म्यूनीस श्यूनीस नहीं खाते, वो ये चटनी खाते हैं साथ में। हाँ भाई पेट का ना एकदम वो ब्रा वाला सीन हो गया है, ऊपर तक भर गया मेरा पेट भाई, लिटरली पसीने आ गए भाई खा पी के मुझे। भाई देखो पेट भर गया बट बहुत हार्ड वाला सीन है, अभी तो दिन शुरू हुआ है भाई, खूब खाने खाने हैं आज तो तिबेटन। और मैं जा रहा हूँ भाई रेडी वेडी होने, चलोगे एक बार साथ? हाँ तो जाने से पहले आई हैव टू टेल यू अबाउट माई सुपर कूल फाइ चारकोल फेस वॉश। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चारकोल फेस वॉश आउट देयर। इट हैज पावर ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, एलोवेरा, कैवलिन क्ले जो कि की इंग्रेडिएंट्स हैं एंड आर नेसेसरी फॉर योर स्किन। ये फेस वॉश डीप पोर्स तक जाता है एंड रिमूव्स ऑल योर डर्ट विदाउट लूजिंग आउट योर स्किन्स मॉइस्चर एंड यू आर लेफ्ट विद स्मूथ एंड क्लीन स्किन। ऑल यू हैव टू डू इज वेट योर फेस, take some amount of face wash, lather up and rinse. See, removed all my dirt and impurities and skin feels so refreshing now. I really liked it, love the fragrance and texture. Agar aapko bhi ye acha lage to click on the link in the description to purchase. All 5 products are also available on Amazon, Flipkart, Myntra and Phylife website. Haan bhai ready ho gaye? Chale ab. प्लान तो वैसे अभी यटी जाने का है, मतलब दैट इज़ एन ऑथेंटिक तिबेटन प्लेस और बढ़िया बढ़िया खाने मिल जाएंगे,
बस वीडियो शूट हो जाए मेरी वहां पे, लेट्स गो। गाइज आई एम एट येटी एंड म्यूजिक सुन रहे हो भाई, जगह के इंटीरियर्स देखो, प्रॉपर ऑथेंटिक टिबेटन वाइब्स, एंड मैंने ऑर्डर किया है टिबेटन प्लेटर। भाई एक एक करके सारी चीज़ें दिखाता हूँ आपको। गाइज कम हियर, दिस इज कॉल्ड ग्यूमा। ग्यूमा का सीन अभी आपको बताता हूँ मैं क्या होता है। दिस इज लोवा एंड दिस इज सम काइंड ऑफ फ्राइड चिकन एंड दिस इज स्पाइसी फ्राइड चिकन, और इसको कहते हैं टिंग मो। दिस इज़ एक्चुअली स्टीम बन, मतलब एक तरीके की इनकी रोटी है, और साथ में इन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री आलू का अचार दिया है, एंड ये तीन सॉसेज हैं, सेसमे, पीनट एंड चिली सॉस। ठीक है, सब बता दिया मैंने, नाउ आई कैन ईट। ग्यूमा का सीन बताता हूँ, ऑल्दो दिस इज़ अ मटन सॉसेज, बट इन रियलिटी जो मैंने गूगल पर पढ़ा था, इट्स लाइक ब्लड सॉसेज, मतलब याक की या फिर शीप की ब्लड सॉसेज को ग्यूमा बोलते हैं। सीन ये है, वो सब मैं यहाँ नहीं खाने वाला, इसलिए मटन सॉसेज ये देते हैं, वो मैं खा रहा हूँ। ओ बाहर ना एक अलग सी क्रिस्पी लेयर है इसकी, ऐसा लग रहा है सॉसेज इज कोटेड विद सम काइंड ऑफ अ लेयर। इंटरेस्टिंग, दिस इज लोवा। ये ना फ्राइड लंग्स को कहते हैं, फ्राइड लंग्स ऑफ एन एनिमल को लोवा बोलते हैं। और बाय द वे टिबेट में एक्चुअली यार खेती बाड़ी तो होती नहीं ज़्यादा, तो दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन मीट, सो दैट्स द रीज़न नॉन वेज थोड़ा ज़्यादा, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू ईट वेज जहाँ जहाँ मुझे ऑप्शन मिलेगा। बट भाई दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग, लाइक इट इज़ कोटेड विद अ लॉट ऑफ मसाला, एंड भाई वो चिली चिकन वाला सीन है बढ़िया, अनियंस वगैरह हैं, एंड दिस इज गुड। भाई ट्राई करके देखो, ओ वाओ, थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा है, सारे नंबर मसालों के हैं भाई, यार तो सही चीज़ है। दिस इज कॉल्ड टिंगमो। ऑलराइट, ये देखो, ओ यार बड़ी फ्लफी सी ब्रेड है, ऐसा लग रहा है वो बाउज होते हैं ना, बाउज उसकी जो कवरिंग होती है वो वाला सीन है इसका। ओके माय बाइट इज रेड दे, भाई इसके साथ और सही लग रहा है। लोवा टिंगमो का कॉम्बो वॉज सुपर्ब। मैं ना टिंगमो को इस अचार के साथ ट्राई आउट करूँगा, ये इनका आलू का कॉम्प्लीमेंट्री अचार है। ओके ओह भाई, दिस इज एक्चुअली लोडेड विद पीनट्स, पीनट्स की चटनी और आलू, वाह यार बढ़िया कॉम्बो है। तो भाई अचार नहीं है, अलग डिश बन सकती है यार। ये चिकन ड्राई फ्राई है, इसके अंदर भी इन्होंने पीनट्स वगैरह डाल के दिए हैं। हाँ ये फ्लेवर तो मैंने पहले ट्राई किया हुआ है यार, दिस इज़ लाइक नॉर्मल जो टैंगी चिकन होता है ना, लाइक अ वेराइटी ऑफ चिल्ली चिकन, वो सीन है इसका। This is also some kind of a spicy chicken. Oh, यार ये वाला जो चिकन है ना, it's like little wet और this is little juicy, और जो दूसरे वाला ये फ्राइड चिकन है ये तो बहुत ड्राई ड्राई सा है, ऑलमोस्ट फ्लेवर सेम है, ऑलमोस्ट मतलब चिल्ली चिकन वाला सीन है भाई ये है। बाकी जो नंबर है ना इन दो डिशेस के हैं और इस टिकमो के हैं। यार अब मैं थाली में जो जो चीज़ें हैं ना वो इनकी चटनियों के साथ और वो इस अचार के साथ ट्राई आउट करूँगा सबके कॉम्बोज, एंड खाने के बाद आई विल सी यू देन। गाइस ऑलमोस्ट डन, यार टिबेटन वीडियो कर रहा हूँ और लाफिंग ना खाऊँ ऐसा हो नहीं सकता, मतलब लाफिंग मैं यहाँ भी खा सकता हूँ, यहाँ पे भी है लाफिंग मेन्यू में, पर मुझे वो रोड साइड वाला खाना है, तो आई विल फाइंड द लाफिंग वेयर एवर यू आर एंड आई विल लीव यू। Soon.
गाइस दिस इज कॉल्ड चिकन लाफिंग. यार मैं आपको पहले ही बता दूं, लाफिंग इज लाइक मोमोज ऑफ टिबेट. जैसे मोमोज दिल्ली में है ना, लाफिंग तो यार मतलब बहुत पसंद करते हैं वहाँ के लोग. और इसके बनाने का सीन बताऊँ आपको क्या है. मैदे की रोटी थी ये, बाय द वे ये येलो येलो आप देख रहे हो ना, दिस इज मैदे की रोटी. और इसके अंदर ना इन्होंने गार्लिक पेस्ट लगाया, लाफिंग पाउडर डाला और क्या डाला था, नमक डाला था एंड चिली पेस्ट लगाया. और क्योंकि मैंने ये लाफिंग नॉन वेज लाफिंग लिया है तो इन्होंने ये ड्राई चिकन के उसके ऊपर पीसेस डाले और रोल रोल किया और खचखच किया और मुझे सर्व कर दिया. 70 rupees का है. मैंने ना ये मेरे घर के पास एक जगह है हुमायूंपुर, वहाँ पे काफ़ी सारे टिबेटन रेस्टोरेंट्स हैं, मतलब छोटे छोटे एंड मतलब वहाँ पे ना एक छोटी सी तिब्बतन कॉलोनी है, बहुत छोटी सी. तो मुझे लगा था कि वहाँ मुझे लाफिंग मिल जाएगा और फाइनली आई गॉट इट एंड बाय द वे दिस इज ठंडा, मतलब ये ठंडा ही सर्व होता है. ये जो रोटी है ना इनकी, ये जो लाफिंग लेयर बोल लो इसको, कुछ भी बोल लो, दिस इज लाइक वेरी वेरी स्लाइमी. और जो सारा फ्लेवर आ रहा है ना वो चिली पेस्ट का आ रहा है मुझे, मेजॉरिटी ऑफ फ्लेवर वो चिली का आ रहा है. उन्होंने मुझे पूछा था बाय द वे कि स्पाइसी कैसा बनाऊँ, ज़्यादा बनाऊँ कम बनाऊँ. मैंने कहा भैया ठीक ठीक बनाना, ठीक ठीक में ही मेरी ऐसी तैसी हो रही है. स्पाइसेस हैज स्टार्टेड टू लाइक लिटरली किक इन. तो बस यही सीन है. अब मैं जा रहा हूँ घर और थोड़ा करूँगा रेस्ट लाफिंग खाने के बाद एंड आई एम गोना सी यू गाइस एट द डिनर नाउ. बाय. शाफाले वूहू भाई, दिस इज कॉल्ड शाफाले. और ये फ्राइड है एंड वैसे दिस इज लाइक अ स्नैक. मतलब यार मेरा पेट फुल था तो मैंने सोचा यार अब कोई लाइट सा ऑथेंटिक सा स्नैक मंगा के ट्राई आउट करते हैं. एंड भाई ये बहुत फेमस चीज़ है तिब्बत में. और इसका सीन आपको बताता हूँ. इसके अंदर ना मतलब फिलिंग ऑफकोर्स आप, मैंने चिकन के लिए वेज भी मिलता है, मीट याक मीट. तो एज पर गूगल ये लोग अंदर अपने स्पाइसेस डालते हैं, मीट डालते हैं और इसको मैदे वाली रोटी से बंद करके डीप फ्राई करते हैं. दिस इज द सीन ऑफ शाफाले. और ये मैंने ऑर्डर किया है ला किचन से एंड साथ में भाई आई है मोमोज वाली चटनी. और पता नहीं क्यों ये ना मुझे फ्राइड मोमोज वाली वाइब दे रहे हैं. मतलब ऑफकोर्स दीज आर नॉट फ्राइड मोमोज. अगर मैं इसको आधा काटूं तो हाँ ये गुजिया बोली जा सकती है. मतलब यहाँ से तो लग रही है भाई गुजिया. अगर मैं आधा छुपा लूँ तो इसे भाई इसकी फ्रेगनेंस बहुत तगड़ी आ रही है. और इसको ना थोड़ा तोड़ फोड़ के दिखाता हूँ आपको. ओ भाई यार पूरी पूरी फ्राइड चिकन मोमोज वाली वाइब नहीं दे रहा है, पूरी पूरी. आई मीन मोमोज है ना तिब्बत के इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी स्टेपल फूड भाई. वहां ब्रेकफास्ट में लोग मोमोज खाते हैं और मोमोज आज हमने खाई नहीं है. शाफाले. दे टेस्ट ऑलमोस्ट लाइक फ्राइड चिकन मोमोज. भाई चटनी बहुत स्पाइसी है यार. वैसे एक सच बात बताऊं, गूगल पे ना इसकी कुछ और ही डेफिनेशन लिखी हुई थी. गूगल पे लिखा हुआ था कि इसके अंदर खूब सारी कैबेज भी होती है, बट कैबेज तो नहीं है, चिकन चिकन नजर आ रहा है. लिटरली बड़े यूनिक खाने खाए हैं यार आज तो. आई मीन लंच में तो माल खाया ना, दैट वॉज द मोस्ट एपिक थिंग. आप मुझे कॉमेंट से बताओ आपको सबसे इंटरेस्टिंग खाना क्या लगा आज की वीडियो में, ठीक है. एंड भाई कॉमेंट्स किया करो, मैं सबके कॉमेंट्स पढ़ता हूँ. यार दो शाफाले बचे हैं, आराम आराम से खाऊंगा इन्हें. और कॉमेंट कर दिया करो यार, शेयर वेयर वीडियो को कर दिया करो, ठीक है. घर वालों को भी दिखाओ अपने. और मैं जल्दी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैप्पी ईटिंग. हैप्पी ईटिंग तो बेटा मैं ही कर रहा हूँ सारी.